परमात्मा का वैभव का तो आने करो कहने आत्मा का वैभव आत्मा के द्वारा। अब ये रहस्य की बात सबको बता समस्या तो सबके पास आ गया। अच्छा अच्छा तो बंद ठीक है। आभार पालनी मंडल आप आभार करें चलो सारू अपने हमें मुद्दों पर आइए। पांचवी गाथा में सबसे पहली बार विनायक भगवान आत्मा को इंट्रोड्यूस करने में आया है। कैसे कि देखो मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को एकत्व विभक्त कहके हमने भेद ज्ञान की बात का बीज दे दिया कि जो भी हम समय सार कहेंगे वो भेद विज्ञान की दृष्टिकोण से कहें। ये मुद्दा की बात समझते हैं। और भेद विज्ञान के पीछे का रहस्य मैंने बता दिया आपको कि जहां किसी अपेक्षा से अभेद होता है, फिर से सर्वथा भेद के साथ भेद विज्ञान क्या कर, जो कभी किसी अपेक्षा से अभेद है उसके ही साथ में भेद विज्ञान होता है। क्योंकि देखो नीति से बढ़कर है अध्यात्म और अध्यात्म से भी श्रेष्ठ दृष्टि का विषय। मतलब बढ़कर मतलब क्या समझना, नीतिमान व्यक्ति होगा तो अध्यात्म की पात्रता बनेगी और आध्यात्मिक विचार श्रेणी होगी तब जाके दृष्टि के विषय को समझ पाए। ये तीन क्रम समझना, जैसे प्राइमरी मिडिल और हायर एजुकेशन, तीन क्रम है ना। जैसे प्राइमरी के बिना कोई मिडिल में कैसे आ गया, मिडिल के बिना वो हायर एजुकेशन को कैसे पा गया। ऐसे ही जो सर्वथा भिन्न है उसे भी हड़पने की दृष्टि रखे वो तो नीतिवान ही नहीं, और नीतिवान नहीं है तो आध्यात्मिक कैसे होगा, बराबर ना। तो उसके लिए तो बात ही नहीं। और जो आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक मतलब मैं किसे कह रहा हूं, आजकल आध्यात्मिक की बहुत अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग आध्यात्मिक होना एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है। मैं उसे आध्यात्मिक नहीं कह रहा, जिसके चिंतन में आत्म कल्याण की भावना रहती हो वो आध्यात्मिक। आजकल नहीं तो आध्यात्मिक को इतना सस्ता समझ लिया है कि महीने डेढ़ महीने में एकाध किसी अपने स्वनाम में धन्य गुरु के पास जाओ, वर्ष में दो तीन दिन के लिए, बराबर गुरु पूर्णिमा कोई भी पूर्णिमा जन्मदिन वनमदिन कोई भी दिन जाओ, एक दो दिन गुरु का आशीर्वाद ले आओ और 365-63 दिन वैसे का वैसा काम करो और कहे कि भाई हम तो इन गुरु के पास जाते हैं आध्यात्मिक। नहीं, वो जीव रूढ़ीवादी ही है लेकिन उसकी रूढ़ी थोड़ी अलग टाइप की रूढ़ी है। उसकी रूढ़ी क्रियाओं की रूढ़ी नहीं है, उसकी रूढ़ी शब्दों और संयोगों की रूढ़ी है। तो आध्यात्मिक किसे कहा जाएगा कि जिसके चिंतन में आत्म कल्याण की भावना धारावाहिक रूप से रहती, बराबर। तो पहले नैतिकता से जीव उठकर आध्यात्मिकता में आता है और आध्यात्मिकता में जब विकल्पों से त्रस्त होता है तब वो कहता है कि भले ही आध्यात्मिक हूं लेकिन विकल्पों का जोर सह नहीं होता, इसीलिए वो अपने परिणामों को और आत्म सुख को पाने के लिए दृष्टि का विषय ढूंढता। ऐसे करके वो समय सार के क्षेत्र में कर्म रखता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये क्रम। नैतिक हुए बिना आध्यात्मिक कैसे होगा और आध्यात्मिक हुए बिना दृष्टि के विषय को सुनने समझने की पात्रता कहां से लाए। आज यही समस्या हो रही, दृष्टि का विषय सबको सुनना है। पात्रता के जो दो स्टेजेस हैं, प्रॉपरली नैतिकता होनी चाहिए
और विचारों के लिए आध्यात्मिकता होनी चाहिए, मतलब आत्मा को ऊर्ध्व रखने की भावना होनी चाहिए, वो तो है नहीं। और छठी गाथा सुनाओ पंडित जी, सातवीं गाथा सुनाओ पंडित जी, बारहवीं गाथा सुनाओ पंडित जी, पंडित जी तो सुना देंगे, तुम्हारा क्या? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत क्लियर कट कह रहा हूं। ऐसे सुनने से क्या मोह गल जाएगा? ये बात यहां बता रहे हैं कि देखो, हम भेद ज्ञान के लिए बता रहे हैं सारी बातें, और भेद ज्ञान की वही होता है जहां किन्हीं अर्थ में अभेद हो, बराबर। सर्वथा भिन्न से क्या भेद ज्ञान करना, सर्वथा भिन्न से क्या भेद ज्ञान, जरूरत ही नहीं है। कोई भी नैतिक व्यक्ति को सर्वथा किसी भी रूप से जो भिन्न वस्तु है उसके प्रति कोई भाव होता ही नहीं। समझ में आया? तो कोर्स सिलेबस बता दिया कौन सा है, भेद ज्ञान का। अब बुक्स बताई, वो भेद ज्ञान का सिलेबस किसके द्वारा कवर करेंगे हम? सिलेबस में बता दिए ना चैप्टर, वो क्या कहते हैं, क्या बढ़ाना है। अब उसके लिए बुक बताई कौन सी, निज वैभव। कौन सी सिले, कौन सी बुक को प्रेफर करेंगे हम? कुंकुंद आचार्य देव करे, देखो मैं जो कुछ भी बताऊंगा सर्वज्ञ के अनुसार तो है ही, लेकिन मात्र सर्वज्ञ के अनुसार है, इसीलिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। समझ में आया? क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूं निज वैभव, मतलब अपने वैभव से भी मुझे ऐसा दिखा, बराबर। देखो ऐसा अपन नहीं करते व्यापार में, कंपनी तो बढ़िया है लेकिन ग्राहक उतर, कंपनी बंपनी ने छोड़ो ना, तमें बोलो क्यों जी, हूँ तमने ओढ़ू छू, कहते कि नहीं कहते अपन है? तो फिर व्यापारी भरोसा दिलाने के लिए क्या कहता है, हूँ पोते जा बापरू छू, कहते कि नहीं कहते, बोल यही कहते ना, हमें पोते पर, अरे जैसे ही बोलता है कि नहीं हमें पोते पर, हवे गड़बड़ नहीं, क्योंकि ना वापरी हो कोई ना कहवाती के तो हो तो एमा प्रॉब्लम थी शक, पर पोते वापर तो हो तो पची एमा प्रॉब्लम नहीं। एम कौन कौन आचार्य देव से जब कोई पूछे कि सर्वज्ञ के अनुसार बोल रहा हो, तो कुनकुन आचार्य देव कहते देखो सर्वज्ञ के अनुसार तो कह ही रहा हूं, हमारी दुकान में माल स्टैंडर्ड कंपनी का ही आता है, हम सेकंड क्वालिटी की वस्तु रखते ही नहीं, चलते फिरते लोगों की बात को तो हम कहते ही नहीं, हमें पूरी बात किसके आधार पर कह रहे हैं, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के आधार पर तो कह रहे हैं, लेकिन तू भी कमी रहती। तो कुनकुन आचार्य देव कहते हैं सर्वज्ञ के आधार पर तो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम स्वयं उस आत्मा को देख रहे हैं। फिर तीसरा प्रश्न होता है कि देख रहे हो तो ठीक, हमें क्यों बता रहे हो? तो बताते हैं तीसरे नंबर, जो हम देख रहे हैं वो तुम्हें दिखाना चाहते। क्या बोला? जो हम देख रहे हैं वो तुम्हें दिखाना चाहते। बहुत गहरी बात है। जैसे हम जब कभी बच्चों को अपने जीवन की कोई घटना सुनाते, बचपन में हम ऐसे पढ़ते थे, बचपन में हम ये करते थे, तो वो जो बताते हैं उसको बताने, तो पापा हमें क्यों बता रहे हो? बोले जो हम करते थे तुम करो, ये भाव बच्चे के मन में लाने के लिए हम अपने दृष्टांत भी उसे देते। ऐसे ही कुनकुन आचार्य देव भी कह रहे कि मैं निज वैभव को देख रहा हूं और उसको बताऊंगा, मगर क्यों, मुझे मेरा वैभव एडवर्टाइज करना, ऐसा नहीं, तुम भी उसी वैभव के धनी प्रभु हो, ये बताने के लिए मैं देख रहा हूं सो दिखा रहा, बराबर। अब खतरनाक बात कि ऐसा मैं दिखा रहा हूं तुम्हें वैसा दिखे, यदि दाइज प्रमाणम, यदि वैसा दिखाई दे तो प्रमाण करना, बराबर। जैसा मैं, मतलब जिस लक्ष्य को लेकर मैं ये सारी बातें कहूंगा,
वैसे का वैसा अगर तुम्हें दिख जाए तो प्रमाण करना, और अगर नहीं दिखे तो चुपके जम छलम ना घेतबम। अगर वैसा मैं दिखा रहा हूं, वैसा तुम्हें ना दिखाई दे, मतलब जिस अपेक्षा से मैं समझा रहा हूं वो अपेक्षा तुम्हें समझ में ना आए तो तुम छल ग्रहण मत कर लेना। ये लाइन लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? सामान्य रूप में अपन जब कहते हैं तो अपने को ये लगता है कि कुंदकुंद आचार्य देव ने एक नॉर्मल विनय के अर्थ में ये बात कही है, ऐसा लगता है अपने को, छल मत ग्रहण कर लेना, छल मत कर, विनय करते ना कि भाई जैसे मैं ग्रंथ लिख रहा हूं बराबर उसको सब विनय बुद्धिमान लोग सुधार लेना, ऐसे कर लेना, एक विनय अर्थ में वाक्य होता है ना। दौलत राम जी ने लिखा है कि भाई मैंने भी लिखा है सुधी सुधार पांचों था कि जो भी बुद्धिमान लोग हैं उसे सुधार करके पढ़े। टोटर मेली साहब भी कहते हैं कि सब जो भी हमने तो बहुत सिद्धांत नहीं पढ़े, जो सिद्धांत की गया था वो उसे सुधार लें। तो सामान्य रीति हमें ये बात कैसी लगती है कि कुंदकुंद आचार्य देव ने विनय को प्रकट करने के लिए ये बात कही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार का मात्र विनयवाची शब्द नहीं, ये पूरे समय सार का प्रतिज्ञा वाक्य है। देखो भौतिक वस्तु सब्जेक्टिव होती और आध्यात्मिक वस्तु आपके विचार के अनुसार होती। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? ये दो को समझो, एक होती कौन सी वस्तु? भौतिक वस्तु। अगर मैं आपको सफेद कपड़ा दिखाऊंगा बराबर, सफेद कपड़ा तो सबको सफेद ही दिखाई देगा, क्यों? अगर उसकी आंखें ठीक हैं तो जैसा है वैसा दिखाई देगा। अब मैंने बोला कपड़ा, अब सबको अपने अपने प्रकार का कपड़ा दिखाई देगा। मैंने बोला अच्छा कपड़ा, महंगा कपड़ा, तो अब सबकी परिभाषा अलग अलग है। जो 100 रुपए का कपड़ा खरीदता है उसे 500 का क्या लगेगा? वो मोंगू है, जूना जमाने में बानती रहता था अपने कोना में जाने तिजोरी में थी 51 रुपया काटे ना, पची हम हाथ में चुपचाप मुकी देना, पची कोई नहीं कहते नहीं एटला बदा आप। तो ये बा माटे 51 रुपया के होमकि हमें 11 ने 21 में रमता हो, 11 ने 21 में रमता हो तो 51 ने के लगे बहुत वारे लगे, पर अत्यार छोकरा शू कह आवा तो समय सार का वैभव भौतिक नहीं। समय सार अगर फिजिकल होता तो उसके में चूकने की कोई संभावना नहीं होती, और चूक जाते तो तुरंत कवर भी किया जा सकता है। जैसे हम अगर इस फिजिकल समय सार के बारे में हम आपको बोले कि मैं तुम्हें 415 गाथा पढ़ाऊंगा तो 415 ही होगा, भौतिक है, इतने पेज वाला है, इतने कलश वाला है, इतने श्लोक वाला है, क्योंकि ये टोटली सब्जेक्टिव है। लेकिन इसका जो प्रतिपाद्य भगवान आत्मा है वो कोई भौतिक वस्तु नहीं, बराबर, इसका प्रतिपाद्य भगवान आत्मा है वो कोई भौतिक वस्तु नहीं, अभौतिक। इसलिए जो बताऊंगा उसमें छल होने की संभावना रहेगी। बीच में व्यवस्था के अर्थ ये सब बातें कह देता हूं कि कुर्सी है ना, कुर्सी वो पिलर के वहां से लगाना, और यहाँ पे क्योंकि आगे 3 की 2 की जगह अटक जाती है, अभी नहीं उठना, अभी तो सेट हो जाएंगे, कल से जब भी कोई लगाए ना जैसे, तो थोड़ी व्यवस्थित कुर्सी को पिलर के वहां से, कल भी मैंने बोला था ये चटाई के पीछे जहां से वो लगी ना वहां पहली कुर्सी आनी चाहिए, है ना, तो वो क्या बैठने की जगह रहे। और हमेशा ही कहता हूँ पंडित जी की बात, मुझे बड़े पंडित जी की बात बहुत अच्छी लगती है, अगर आप
इस तरीके से बैठते हैं कि सागर्मी आगे आगे वाले परेशान हो, तो वो आपके अवात्सल्य का प्रतीक माना जाएगा। किसका प्रतीक? अवात्सल्य का प्रतीक। कि आपको मतलब जो भी जब जो कोई आने वाला होता है ना, आप उसके लिए क्या कहते हैं जगह छोड़ते कि नहीं छोड़ते, इस हिसाब से बैठो, है ना, व्यवस्थित बैठोगे तो अच्छा लगेगा, परिणाम भी व्यवस्थित रहेंगे। हाँ, कहाँ थे अपन? भौतिक और अभौतिक। तो भौतिक वस्तु कैसी होती है? सब्जेक्टिव। तो जैसा बताया जाए वैसे ही ग्रहण करने की संभावना अधिक होगी, लेकिन लेकिन जो सब्जेक्टिव है उसमें कोई अपने अपने अनुसार चला सकता है। आत्मा अच्छी है, अच्छी है ना, अच्छी है कि खराब? मगर अच्छी का पैरामीटर क्या? कि आत्मा की बात सुनना अच्छा लगता है। हाँ पंडित, तो ये भी अच्छा पने का पैरामीटर है। आत्मा की भी बात सुनना अच्छा लगता है, ये भी अच्छे पने का पैरामीटर है। और आत्मा की ही बात सुनना अच्छा लगता है और कोई सी बात सुनना अच्छा नहीं लगता, ये भी अच्छे पने का पैरामीटर है। और आत्मा की बात सुनना क्यों? आत्मा में ही लीनता अच्छी लगती है। अब ये समझ रहे, सब सब्जेक्टिव हो गया, किसको कितना अच्छा लगे। आत्मा की बात सुनना अच्छी लगे, जैसे कि बहुत सारे बोल पड़े जी आप प्रवचन करते अच्छा लगता, हम वैसे बैठ तो नहीं पाते, हम बहुत बिजी के आदमी हैं, लेकिन वो कान में दो शब्द जाते ना, अच्छा लगता, अच्छी बातें करते हो आप, स्वाभाविक बात है भाई, बुरी बातें करेंगे थोड़ी आप बैठा लोगे हम, है कि नहीं है, बुरी बातें करने वाले थोड़ी भी बैठते, अच्छी करते होंगे। अब ये भी अच्छा लगने का, आत्मा की बात अच्छी भी लगती और भी बातें अच्छी लगती, ये भी अच्छी लगती, आत्मा की ही बात अच्छी लगती और ग्रेड बढ़ गए, और आत्मा की बात इतनी अच्छी लगती है कि आत्मा से बाहर जाने का मन ही नहीं करता, ये भी ग्रेड बढ़ गए। तो ये क्या हुआ? अब जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड। तो कुंदकुंद आचार्य देव को पूरी आशंका थी कि हम जो बात बताएंगे वो सब्जेक्टिव नहीं, कि ये ही अर्थ निकले, दूसरे अपने अपने अनुसार अर्थ निकाल लेंगे। तो आचार्य सावधान करना चाहते हैं कि जो अर्थ मैं निकालना चाहता हूं वैसे का वैसा ही अर्थ निकालना, अन्य अर्थ निकाल के छल ग्रहण, क्योंकि संभावना पूरी गाथा लिखने से पहले उनको इस बात की आशंका है कि मैं जो बात बताऊंगा उस बात में लोग अन्य अर्थ निकाल के अनर्थ कर लें। फिर इसीलिए कुंदकुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, मतलब मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उस स्टैंडर्ड के अनुसार तुम समय सार को पढ़ना, क्योंकि मुझे तो उसी स्टैंडर्ड से आत्मा दिखी, तुम्हें दिख जाए तो कहना बहुत बढ़िया, और नहीं दिखे तो छल ग्रहण मत कर लेना। जैसे कि हुआ कि बातों में समय सार आया और हमने उसे बोला कि बस इतना ही काफी है, अनुभव की जरूरत क्या है, है? बोलो क्या कह रहे थे? बिल्कुल, वो भी कह सकते हैं। एक तो आए एक बात हुई कि भाई जिस अपेक्षा से बताना चाह रहे हैं वो, और दूसरे चुप जाओ, मतलब जिसे अपन सामान्य भाषा में कहते हैं ना, नींद लग गई तो स्टेशन चुप गए, ऐसे अगर वो नहीं, कुल मिला के जहां पहुंचाना हम चाह रहे हैं वहां नहीं पहुंच पाओ किसी भी कारण से, प्रमाद के कारण से, अरुचि के कारण से, अशक्ति के कारण से, अनिर्मलता के कारण से, मलिनता कषाय के कारण से, वो कोई भी कारण से हम जहां पहुंचाना चाह रहे हैं तुम वहां नहीं पहुंचो तो छल ग्रहण बंद कर ले। गूगल होता ना, गूगल वो बताता है, डायरेक्शन बताता है, आप जहां से चुकते हो तो दूसरी जगह से डायरेक्शन बता देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वो डेस्टिनेशन नहीं बदलता। यूज किया होगा ना प्रशांत,
गूगल क्या करता है आपको, आपने फ्रॉम वेयर टू आपने डायरेक्शन डाला कि मुझे यहां से पालड़ी से बसरापुर तक जाना, बराबर डायरेक्शन डाल दिया। अब उसने एक जगह बताया यहां से राइट लेना है, आप चूक गए तो घबराएगा नहीं, भूमो भी नहीं पाड़ेगा, कोई बात नहीं चूक गए ना, लेकिन अगले मोड़ से ले लेना। अगले मोड़ से भी चूक गए तो जहां से भी आप रहोगे वो आपको पहुंचाने का रास्ता बताता जाएगा। लेकिन एक प्राइमरी बात है, कौन सी, डेस्टिनेशन। अगर उसने बताया पहले नंबर कि 5 किलोमीटर बाद वो देरासर आएगा और आप गलत के रास्ते से 5 किलोमीटर चले गए और 5 किलोमीटर जाने के बाद में आप कोई दूसरी जगह पहुंच गए, फिर बोले कि नहीं तुमने पहले बोला था कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर बाद जो भी होगा हम उसे बस्तरापुर मंदिर मानकर पूजा करेंगे। तो भंगार की दुकान हो तो है, विषय भोग की दुकान हो तो हलवाई की, हम आपने पहले बोला था कि 5 किलोमीटर बाद आने वाला है, हम तो 5 किलोमीटर हमने देखा मीटर, अब डायरेक्शन तो हमने देखा ही नहीं, हमने देखा 5 किलोमीटर के बाद मंदिर आएगा, आपने सबसे पहले कहा था, बराबर। अब हमने 5 किलोमीटर चल लिया, अब वो डेस्टिनेशन हमें मिली नहीं, तो जो डेस्टिनेशन है उसको ही मंदिर मान के पूजा कर लोगे क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई, कि जहां डेस्टिनेशन जरूरी है वहां डायरेक्शन भी, डायरेक्शन बगैर डेस्टिनेशन कैसे मिलेगी और डेस्टिनेशन के बिना डायरेक्शन कैसे करो? बात समझ में आई भैया? क्या बोला, गूगल ये एग्जांपल है, है ओके ना। जैसे अपन पहले आचार्य ने काम भोग बंधन का श्रुत परिचित अनुभूत बोली ना, आजकल बोले कि ना व्हाट्सएप फेसबुक और गूगल श्रुत परिचित अनुभूत है, तो वो तो समझ में आ ही जाएंगे। करना में गू यूज नहीं करते तो हम क्या करें? बाजू भरों की देख रहे हैं, हमें तो नहीं आता तो नहीं करते तो हम क्या करें? है ख्याल में आया कि नहीं? तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें नहीं, कौन कौन सी, डेस्टिनेशन के बिना डायरेक्शन नहीं होता और डायरेक्शन के बिना डेस्टिनेशन तक पहुंचो कैसे। तो तम एयत व्यतम ये डेस्टिनेशन, बराबर। और मैं निज वैभव से बताऊंगा, निज वैभव में जो अपेक्षाएं हैं, जो मोड़ हैं, जो वड़ांक हैं, किस एंगल से कहां मुड़ना है, कहां तक पहुंचने के बाद मुड़ना है, ये भी बड़ी गजब बात हो। आपको मंदिर आना हो, आप बोलोगे कि भाई चंद्रनगर बीआरटीएस से सेकंड लेफ्ट है, अब बोले सेकंड के बाद लेफ्ट जाना है ना, तो लेफ्ट हो जाओ, बोले नहीं सेकंड लेफ्ट, कहां पर आने के बाद मुड़ना है। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये बात कि आप कौन सी जगह पे पहुंच जाओगे, घर में बैठे हो और ये कहो अरे जिन मंदिर भी अब तो इष्ट नहीं लगता, अब तो निज आत्मा इष्ट है, चलो चाय लेकर आ जाओ। कौन श्रम करे पूजा करने का, आत्मा ही अंदर में प्रभु है, चलो नाश्ता लेकर आ जाओ। ये डायरेक्शन आपको लग रहा है कि भाई कहां जाके किसको छोड़ना है, विचार करके देखो। शास्त्र का अध्ययन कौन करे, ये सब चयोक्ष्मिक ज्ञान है, अच्छा पहले न्यूज़पेपर और उसको पढ़ना छोड़। कहां जाके किसको छोड़ना है, कहां से वड़ांक लेना है, ये डायरेक्शन। डेस्टिनेशन होगी तो ही डायरेक्शन होगा, लेकिन डायरेक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो कभी डायरेक्शन डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। अब फिर उसमें तुम चल ग्रहण कर लो कि तुम तो पहले कहते थे कि 5 किलोमीटर बाद, हम तो 15 किलोमीटर चल लिए, अभी तक तो मंदिर नहीं आया, तुमने तो 6 महीने का कोर्स बताया था आत्मानुभवन का, हम तो जिंदगी भर से कर रहे हैं, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। अरे भैया तू चूक गए, अब चूक गया तो ये समझ कि मैं चूक गया हूं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? गूगल वाला यही करता है कि अगर आप वो मोड़ चूक जाओ
कोई बात नहीं, प्रमाद हो जाता है, चूक गए तो आगे से फिर उसी मोड़ की तरफ आओ, डेस्टिनेशन नहीं बदलनी है, ध्यान रखना। और कोई कहे कि नहीं नहीं इतनी सब अपेक्षा हमें समझ में नहीं आती, तो भैया तू प्रमाद कर रहा है, तू छल ग्रहण कर रहा है, ये तेरे लिए उचित, ठीक है ना। देखो ये बात और क्यों लिखनी पड़ी, इसको थोड़ा अपन एक्सपेरिमेंटल वे में करते हैं। पांच भी गाथा बराबर, चूक जाओ तो चल ग्रहण मत करना। छठवीं गाथा में ये कहते हैं कि आत्मा प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं। अब देखो कितनी गहरी बात कह दी, आत्मा प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं, ऋण भी हो दी प्रमत्तो ऋण अप्रमत्तो, कि ना तो आत्मा प्रमत्त होता है ना अप्रमत्त। अब ये बताकर क्या बताना चाह रहे हैं, गनायक भाव। अब तुम गनायक भाव तक तो पहुंचो नहीं, और प्रमाद प्रमाद के भेदों में कसाय भी होता है बराबर, विकता भी होती है और विषय भोग भी होते हैं। कोई कहे कि भाई तुम विषय भोग क्यों भोग रहे हो, तुम कसायों में क्यों पड़े हो, और आप उसको ज्ञान दे दो, अरे पंडित जी आपको क्या दे रहे हो ये बात, ये मेरे अंदर कहाँ है, ना भी हो दी अपमत तो ना अपमत, आई बात ख्याल में है, आई कि नहीं बात। तुम नंदे पानी में पड़े हुए हो, विषय भोगों में पड़े हुए हो, और कोई तुमको कहे कि भाई तुम विषय भोग में क्यों पड़े हो, तो आप समयसार की छठी गाथा लेकर मत पहुंच जाना उसके पास, बोले पंडित जी आप गलत बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मैं तो प्रमत्त होता ही नहीं हूँ, मैं तो अप्रमत्त होता ही नहीं। अपन किसी को प्रेरणा दें क्योंकि ज्ञानी बन जाओ मुनि बन जाओ तो वो वहां पे पहुंच जाओ, अरे मैं तो अप्रमत्त मतलब सातवें गुण स्थान में कभी जाते ही नहीं, ये तुमने क्या किया, छल ग्रहण किया, चुपके जम छलम ना, आई बात समझ। ये आचार्य को अंदेशा था और आचार्य का जो आकलन था वो गलत नहीं है, अच्छे अच्छे फिसल गए, बनारसी दास जी भी इसमें शामिल हैं शुरुआत में। आचार्य कह रहे कि अगर नायक दिखाई दे तो तू प्रमत्त प्रमत्त नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोला, ज्ञायक दिखाई दे तो तू प्रमत्त प्रमत्त नहीं। अगर ज्ञायक नहीं दिखाई दे रहा और प्रमाद को दूर करने का और अप्रमत्त होने का उपदेश दिया जाए तो उस उपदेश का तू खंडन मत, ऐसा बात समझ में आई कि नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं भैया, समझे ना। ये आचार्य ने ये जो लाइन है ना, इस लाइन को आप 50 जगह यूज कर सकते हैं, ये तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे आप जैसे जैसे गाथाएं पढ़ेंगे ना, तो आचार्य को ही लगे ये लाइन को आप बिल्कुल अपने अंदर में, जैसे वो होते ना सर्दी होती है सर्दी, तो अपन वो इनहेलर रखते हैं कि जैसे ही नाक बंद हो तो क्या करने लगते हैं उसे, मैंने ये इनहेलर के जैसी कि जैसे ही आपको क्या कहते हैं अंदर में अनर्थ करने का भाव हो तो इसको क्या करो, यही चुपके जम शरम ना गिल, आई कि नहीं बस, कितनी क्लियर बात है। सीधा सीधा अर्थ क्या निकलता है छठवीं गाथा से, कि आत्मा प्रमत्त नहीं और आत्मा अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है, लेकिन किसके लिए बात कही जा रही है, ज्ञायक भाव के लिए। तो तेरे को अगर ज्ञायक प्रभु दिखाई दे रहा है तो प्रमत्त अप्रमत्त के विकल्प मत कर और उसमें लीन हो जा, लेकिन ज्ञायक प्रभु के तो ठिकाने नहीं बराबर, और ज्ञायक प्रभु की अनुभूति तो है नहीं, और दो उपदेश दिए जाते हैं, कौन सा, बिगाड़ रोकने का और सुधार करने का। जिनवाणी में उपदेश तो दो ही प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से, बिगाड़ ना हो और सुधार हो। तो जब हम किसी को उपदेश देते हैं, कसाय क्यों कर रहे, पाप क्यों कर रहे, भोगों में क्यों पड़े हो, तब हम किसका उपदेश दे रहे हैं आपको, बिगाड़ नहीं कर। हम किसी को उपदेश दें जिनवाणी दे कि नहीं पढ़ो धंधे पानी में मत पढ़ो, और अरे आत्मा तो ज्ञाता है, आत्मा कहां प्रमत्त है। गुरुदेव भी बार बार कहते थे, भले दृष्टि का विषय कितना समझाते लेकिन बार बार एकाध तो वो कमेंट कर ही देते थे, आखो दिवस धंधी धंधो पानी ने बायरी ने छोकरा हाचवा पड़ो है, खावा पीवा पड़ो, जेने क्या समझ पड़वानी है।
धंधा पानी, अने उनके हिसाब से जब हम देखते थे तो कितना कम विकल्प था, व्यापार भी सीमित था। 6 महीने या 6-8 बजे तक का, 6-8 घंटे का व्यापार था, बराबर। परिवार में भी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं थी, कुटुंब फैमिली, तो उसके हिसाब से विकल्प का परसेंटेज कम होगा। अभी तो क्या है, व्यापार बहुत बढ़ गया और परिवार सीमित हो गया, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी क्या हो गई, सेंट्रलाइज हो गई। पहले नहीं था, पहले थोड़ी डिसेंट्रलाइज, अगर कोई चीज आपको लेने जानी है तो वो किसी के साथ भी चला जाता था घर में, अब सब जिम्मेदारी कहाँ हो गई, तो इसके हिसाब से विकल्प का परसेंटेज बढ़ा कि घटा। तो जब गुरुदेव उस समय के लोगों को ये कहते थे कि आपको दिवस पड़ा हो तो आज शू के, और अगर ऐसा उपदेश करने ना करें और करें तो भाई पंडित जी कुछ नहीं है, मैं तो प्रमत्त ही नहीं हूं, बोले तू चल कर ऐसे सम्य दृष्टि हो जा, मुनि हो जा, ग्रति हो जा, शुद्ध हो जा, और फिर कोई अरे ये सब भी पर्याय की दशा है, मैं तो अप्रमत्त भी नहीं हूं, क्यों उपदेश दे रहा हूं, तू छल ग्रहण कर रहा है। बिगाड़ नहीं होने का उपदेश और सुधरने का उपदेश अनंत सर्वज्ञ भगवंतों ने दिया है, ज्ञानी दे रहे हैं और भविष्य में भी दिया है। इस गाथा के आधार पर उसका खंडन, और ये विनायक दिखे तो ही ये गाथा पढ़ना, दुकान दिखे तो ये गाथा, चुपके जम चलम, ये सब। 7वें नंबर की गाथा में आप जाओगे, व्यवहार से क्या है, आत्मा में ज्ञान दर्शन चरित्र नहीं है, ज्ञान दर्शन चरित्र नहीं ऐसे क्या, अगर इसको ये किसके लिए बोला जा रहा, विकल्पों को हटाने के लिए, किसको हटाने के लिए, विकल्पों को हटाने के। तू ज्ञान दर्शन चारित्र के विकल्पों में निर्विकल्प अनुभूति को मत भूल जाना, इसके लिए गाथा है, आई बात समझ में है। अब ज्ञान दर्शन चारित्र के विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प अनुभूति हो तब तू कहना कि व्यवहार से ज्ञान नहीं है, चारित्र दर्शन है, चारित्र परमार्थ से नहीं है, लेकिन वस्तु से निकालने की कोशिश, क्योंकि वस्तु से गुण निकाल देगा तो वस्तु अवस्तु हो जाएगी, गुणों के समूह को तो क्या कहते, द्रव्य कहते, गुणों के समूह को द्रव्य कहते। अब ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चरित्र नहीं, तो क्या कोई ऐसी शक्कर हो सकती है जिसमें मिठास नहीं, सफेदी नहीं, जैसे मिठास और सफेदी बिना की शक्कर नहीं होती, वैसे गुणों से रहित आत्मा, लेकिन जब हम मिठास का अनुभव करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि बड़ी शक्कर खा रहे हैं, कि झीणी शक्कर खा रहे हैं, कि मधुर की शक्कर खा रहे हैं, कि कौन कौन सी शक्कर आती है ना, सब भूल जाते कि नहीं भूल जाते, बोल। मिठास का अनुभव करते हैं तो बुरा है कि शक्कर है कि खांड है, कि बारीक शक्कर है कि मोटी शक्कर है, कि पॉलिश है कि अनपॉलिश है, मात्र किसका अनुभव करते हैं, मिठास। आचार्य कहना है कि जैसे तू अनुभूति करे, अनुभूति करे तो ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चरित्र वाला ये भेद भूल जाए, लेकिन वस्तु से निकालने की कोशिश, क्योंकि जैसे तूने वस्तु से निकालने की कोशिश की तो वस्तु अवस्था, यानी अनुभूति के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञान दर्शन चारित्र के विकल्पों का निषेध किया, समझने के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र के विकल्पों का निषेध, ख्याल में आया कि नहीं है, बोलो। बहुत सारे लोग चूक रहे हैं, चल ग्रहण मत करना, ऐसा होता है ना। अब कई बार ऐसे कोई हो, एक एक क्या कहते हैं 65-70 साल के दादा है, बराबर उनके साथ में 16-18-20 साल का बच्चा भी आया, तो आगे वो दादाजी ऐसे रिक्वेस्ट करें कि साहब क्या करें पंडित जी, हम बहुत जागना चाहते हैं,
लेकिन नींद आ जाती है, तो कोई बात नहीं अब आया करो, भले नींद आए तो सो जाए, अब क्या करें उनको, उम्र का कब तक आ जाए। अब 16 साल वाला लड़का दूसरे दिन सोने लगा, और मैंने यही तुम क्यों सो रहे, बोले पंडित जी आपने बोला था ना, है आपने बोला था ना कि नींद आए तो सो जाए करो, बोले नहीं ये उपदेश तेरे लिए नहीं, वो अक्षमता के कारण उनको निद्रा आ रही है और तेरी अरुचि के कारण निद्रा आ रही, दोनों के कारण अलग अलग, समझ में आया कि नहीं आया। तो तेरे को क्षमता की कमी नहीं है लेकिन अरुचि के कारण तू सो रहा है, तो अब क्षमता तो हम बढ़ा नहीं सकते, क्षमता आप नहीं बढ़ा सकते, एक उम्र कैसे बढ़ाओगे आप, क्या करोगे उसके लिए, क्या दोगे इंजेक्शन, तो क्षमता नहीं बढ़ा सकते लेकिन रुचि बढ़ा सकते, और रुचि सुनने से ही बढ़ेगी, और तू सुनेगा ही नहीं तो सोता ही रहेगा। तो एक उपदेश एक के लिए प्रासंगिक और एक के लिए अप्रासंगिक, ये उसके लिए ठीक है, उनको इतना अंदर में ग्लानि भाव हो रहा था, बोले दिनवाणी की अभिनय हो जाती है, फिर अंदर में भले नहीं कहते लेकिन बाहर में अंदर में सोचते तो रहते हैं, दूसरे लोग देखते हैं वो बुरा, वो हंसते हैं ऐसा है, इससे बढ़िया तो हम ना ही सुने, तो उनको बोले नहीं ऐसा मत करो भैया, वो आए उसका काम उसको करने दो, तुम तुम्हारा काम करो। लेकिन ये किसके लिए, अक्षमता के वालों, अरुचि वालों के लिए। तो बाबूजी अगर किशोर जी बड़ी खतरनाक बात कहते थे, नींद आए तो आंखों में मिर्ची झोंक लेना, सच में प्रजनवाणी की बात सुनते सुनते नींद आए ना तो आंखों में मिर्ची, बोले क्या बात करो, बोले हाँ आंखों का नुकसान उतना बड़ा नुकसान नहीं है, आत्म कल्याण का नुकसान उससे बड़ा है, बात समझ में आई कि नहीं। अब ये जिसको छल ग्रहण करना हो क्या करेगा, पंडित जी आपने बोला था नींद आए तो, वो चूक गया था, वो अक्षमता की समस्या को तूने अरुचि की समस्या, अरुचि का उपचार तो रुचि है और रुचि का उपचार परिचय और परिचय का उपचार स्वाध्याय। फिर से क्या बोला, अरुचि का उपचार क्या है, रुचि, रुचि कैसे बढ़ेगी, परिचय, बहुत सरल सी बात, जिसके प्रति आपका परिचय हो उसमें रुचि बढ़ जाती है। मुंबई की ट्रेन में नहीं होता है ऐसा, बैच बन जाते 10:42 का बैच, 8:45 का बैच, और कल तो मेरा एक मित्र बोल रहा था अगर आपने मिस हो गए ना तो घुसने नहीं देते, घुसने क्योंकि उनको पता कि ये व्यक्ति ही इतना फुल फुल भरा रहता है तो जो रोज आता है उसके लिए जगह मिल जाती, और जो कोई अपरिचित व्यक्ति है जगह नहीं गिरा दे, किसी का किसी के साथ पर्सनल परिचय नहीं है लेकिन कांस्टेंट एक दूसरे को देखते ना कि ये 8:45 की ट्रेन में ही चढ़ता है, ये 8:45 की ट्रेन में ही चढ़ता है, तो ये तो अपने ग्रुप वाले आने, कोई कोई का नंबर शेयर नहीं कर रहा लेकिन रेगुलर दिख रहा है ना, तो क्या हो गया, अपने आप ही अपना ब्रांच बन गया, ग्रुप बन गया, और उस ग्रुप में फिर दूसरे की एंट्री बहुत मुश्किल, ऐसा भयंकर वर्णन किया कि बच्ची बुच्ची इच्छा भी खत्म हो गई मायानगरी में जाने की, है बेच बन जाता है, बोले फिर आप घुस नहीं सकते, वो गिरा देगा, वो जगह नहीं देगा, दरवाजे पर अड़के खड़ा हो जाएगा, घुसने नहीं देगा, मतलब रेगुलर अपरिचित व्यक्ति भी अगर सामने आ रहे तो क्या हो जाता है, परिचय, उसे आप अपने में जगह दे देते, बस ये बात काम की, मुंबई भूल जाओ, वैसे ही आई ना बात सुन रहे, समझ जाए कि आत्मा से बिल्कुल अपरिचित हो कोई बात नहीं, सुनो सुनो, मैं कई बार कहता हूं, जो लोग कहते हैं जिनकी रुचि है उन्हें, बहुत सारे लोग पंडित जी क्या करें रुचि नहीं है स्वाध्याय कैसे करें, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिनको रुचि नहीं है वो 1 घंटे स्वाध्याय करें, रुचि है वो 1 घंटे स्वाध्याय करें, और जिनको रुचि नहीं है वो 2 घंटे का, 1 घंटे रुचि जगाने के, छूटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है,
रुचि नहीं है तो नहीं करे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई बात, दवाई अच्छी नहीं लगती नहीं खाए तो चलेगा क्या, ये थोड़ी होता है। दवाई तो इसके, अगर तुम्हें निरोगी होना है सीधी बात, मरना है सड़ करके तो जो करना है उसको करो, लेकिन निरोगी होना है तो भैया देखो परिचय बढ़ाना पड़ेगा। और परिचय क्या है, समय बिताओ अपने आप परिचय बढ़ जाए, ठीक है टाइम कहते ना, हर चीज हर संबंध को क्या देते हैं, समय। समय आप दोगे साथ में स्पेंड करोगे अपने आप परिचय हो जाए। समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अरुचि जिसको है उसके लिए तो प्रमाद का स्थान ही नहीं। अब यहाँ उल्टा होता है, अरुचि के नाम पे लोग नीचे बैठ जाते, हमें समझ में नहीं आता भाई हम तो नीचे बैठ जा रहे हैं। अच्छा नीचे बैठ के समझ में आ जाएगा, हमें समझ में नहीं आता भाई हम तो टीवी बंद कर देते, उससे क्या आ जाएगा, समझ में आएगा कैसे? पहले ये नक्की करो समझे बिना छुटकारा है कि नहीं, बोले नहीं है तो प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आता तो क्या करें, प्रश्न ये होना चाहिए कि समझने के लिए क्या। समझ में आएगी, बड़ा सरल सा काम आना है। पहले कह दो समय नहीं है इसीलिए नहीं आते, फिर कह दो रुचि नहीं है इसीलिए नहीं आते, फिर हम कहेंगे आयु नहीं है, अब पात्रता नहीं, अब तुम आओ वहां जाओ, तुम 2000 साल तक भटक कर आओ, फिर आना जब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जाए, अकल ठिकाने आ जाए, तब बात ख्याल में आएगी नहीं यार। तो अक्षमता के कारण जो औषध जो उपाय बताया हो अरुचि में कोई उसे लगाए तो कह तू चूक गया। ऐसे ही आचार्य कह रहे कि हमने यहाँ जो बताई सातवें नंबर की गाथा कि आत्मा में ज्ञान नहीं दर्शन नहीं चारित्र नहीं, ये किसके लिए बताए कि ज्ञान दर्शन चारित्र के विकल्पों में तू उलझ कर निर्विकल्प नहीं हो रहा हो, उसके लिए हमने ये बताया कि आत्मा में नहीं है, निर्विकल्प अनुभूति में प्रवेश कर रहा हो उसके लिए बताया कि आत्मा में नहीं है, लेकिन समझने के लिए तो है ही ना। अब श्रद्धा को नहीं समझो, अब वही बात है पूरे मोक्ष तत्वार सूत्र में क्या है, श्रद्धा ज्ञान चरित्र का वर्णन बराबर यही है ना, ज्ञान दर्शन चरित्र का वर्णन। अब हम समझाने जाएं, बोले पंडित जी आत्मा में तो ये है ही नहीं, क्यों समझा रहा, बोले चूक गया तू, चुक के जम चलम ना गीतम, ये तो बहुत सारी गाथा देखो 11 नंबर की गाथा, व्यवहारो भूधत्तो भूधत्तो देशितो तो सुद्रणयो, व्यवहार ने अभूतार्थ शुद्ध ने भूतार्थ, हाँ पंडित बहुत बढ़िया, बहुत मार्मिक गाथा 22 नंबर की, बहुत ही मार्मिक गाथा, इससे अधिक प्रिय गाथा तो हमें कोई लगी ही नहीं। बोले क्यों, व्यवहार ने अभूतार्थ है, अगर आपने पूजा का उपदेश दे दिया अभूतार्थ है, स्वाध्याय का उपदेश दे दिया अभूतार्थ है, व्रत नियम शील संयम का उपदेश दे दिया अभूतार्थ है, पंडित जी क्यों समय बिगाड़ रहे है, बोलो सही है ना बात, अभूतार्थ का उपदेश क्यों दिया, बोले देख तू समझ शुद्ध ने भूतार्थ है, इसके अपेक्षा से व्यवहार ने अभूतार्थ है, समझ में आया। तत्व विचार भी ऐसे समझो, भोजन निरर्थक है किसके लिए, पानी निरर्थक है किसके लिए, बोलो पेट भर गया हो उसके। अब अगर पेट भर गया हो, कई बार जैसे हम पंडित के रूप में जाते हैं ना, तो मैं एक बात कह देता हूँ, जो भी है सामने पहले रख दो, पाछड़ती कहीं काटता ये प्रमाण सेट कर ही लो ना, बची भाई केटला शू शू न्याय आपको, अबे बधु जमी अबे तो आ वक्त राजकोट में पण एवू थयो, बधु जमी लीधू छास वास पण पीधू, बोले पंडित जातो रही गयो, मैं तो पहला पीधू थू अबे जग्या नहीं थाय, बोले पण ई बहु मेहनत थी बनाव्यो छे, हसे बहन अबे शू करिए दया करो ना कैपेसिटी तो कोई ओछो थोड़ी आपसे, ये तो सामने मुको बजियो कैपेसिटी प्रमाणे ले ले पण मने शू करवू छे सेट खबर पड़े ना, हवे एम कहेवानुं
હું એમ નથી કહેતો કે તમારો મોહન થાલ ખરાબ છે, હું એમ નથી કહેતો કે તમારા લાડવા ખરાબ છે, હું એમ પણ નથી કહેતો કે એ તમને ઓછી મહેનતથી બનાવેલ છે, પણ મારો પેટ ભરી ગયો છે માટે હવે મારા માટે શું થઈ ગયા બધા, એમ અહીંયા કહે છે કે જે નિશ્ચયમાં તૃપ્ત તૃપ્ત થઈ ગયો છે એના માટે શું છે, પણ ભૂખ્યો હોય અને એની સામે ઉપદેશ આપો એના લાડવા કામના નથી, લાવ તો પછી નક્કી કરી, સમજાય કે નહીં સમજાય, અત્યારે ઓક્સિજન ની જરૂર નથી તો આપણે કઈ દે ઓક્સિજન કઈ કામ, પણ કોરોના ના ટાઈમે પેલો લઈને આવો, હવે એ એ એ બધી એવા તમે ત્રણ ગાથાઓના સલંગ ભેગી ભેગી ત્રણ ગાથાઓને એવી સમયસારમાં તમે જ્યાં જ્યાં જશો ને ત્યાં ત્યાં તમને આ ઇનહેલરની જેમ આ ગાથાનો પ્રયોગ કરવો પડશે, ચુક્કે જમ છલમ ના ગે તબ્બમ, કે જો હું કહેવા માંગુ છું ગુનગુના જાય નિશ્ચય ભૂતાર્થ દેખાય તો વ્યવહાર અભૂતાર્થ ગણજો, નિશ્ચય ના તો ઠેકાણા નથી બરાબર, વ્યવહાર ગમતું નથી તો ક્યાં જશે, બોલે તું ચલ ગ્રહણ કરીને, તો આ ગાથા એક જગ્યા પ્રતિજ્ઞા વાક્ય છે કુંદકુંદાચાર્ય દેવ નું કે આ વસ્તુ તમે હંમેશા વાપરવાની છે બરાબર, તમે પણ 415 ગાથા સુધી જ નહીં જીવનમાં દરેક જગ્યા આ ગાથાનો પ્રયોગ કરવાનું, કે શું જે હું બતાવવા માંગુ છું એવો જાણજો અને ચૂક જાઓ તો ચલ ગ્રહણ કરતા